अल्कोहल्स में हमने तो पहले ये देखा था कि अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इसको, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल वॉज CnH2n+1OH। फर्स्ट एल्कोहल वॉज वन कार्बन वाला एल्कोहल जो है वो मिथेनॉल कहलाता है, मीथेन होता है उसका आखिर का लास्ट डेट इज ई, वो हटा के हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मिथेनॉल। वन कार्बन वाला एल्कोहल है, एन की जगह पे वन आएगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा CH3OH। इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था, फर्स्ट कार्बन के साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, दिस इज मिथेनॉल। इसी तरह सेकेंड एल्कोहल हमारे पास था इथेनॉल, प्रोपेनॉल, देन ब्यूटानॉल और फिर पेंटानॉल। इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से बन जाएंगे, इथेनॉल में 2N की जगह पे 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5OH, प्रोपेनॉल में N की जगह पे 3 आ जाएगा तो C3H7OH, ब्यूटेनॉल में N की जगह पे 4 आ जाएगा तो C4H9OH, पेंटानॉल में N की जगह पे 5 आ जाएगा तो C5H11OH। स्ट्रक्चर्स इनके सबके आप बना सकते हो, इथेनॉल का CH3 है, CH2 एंड फिर OH। तो मैं सारे बॉन्ड्स शो नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेट फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। प्रोपेनॉल का CH3, CH2, CH2OH, ब्यूटेनॉल का CH3, CH2, CH2, CH2OH, एंड पेंटेनॉल इज CH3, CH2, 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 CH2OH। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं फॉर एल्कोहल। साथ में एल्कोहल्स की हमने आइसोमेरिज्म भी देखी थी, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सेम है जो एल्केन्स और एल्कीन्स में थी, वही आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर भी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एल्कोहल में आइसोमेरिज्म हमारी प्रोपेनॉल से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रोपेनॉल है उसका फॉर्मूला है C3H7OH। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 कार्बन वाला एल्कोहल, तो आइसोमेरिज्म एल्कोहल में जैसे एल्कीन्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे करके डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, इसी तरह एल्कोहल यानी कि प्रोपेनॉल में भी जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, पहले वाले स्ट्रक्चर में वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर मैंने एल्कोहल सेकेंड कार्बन पे लगा दिया है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। पहले वाले का नाम हमने पढ़ा था, दिस इज प्रोपेन वन ऑल, और दूसरे वाले का नाम हमने दिया था प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, नेमिंग क्योंकि ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, बस इतना आइडिया रखना कि प्रोपेन वन ऑल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और प्रोपेन टू ऑल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग की गई है। आइसो प्रोपेन भी कह सकते हैं, लेकिन अगेन आइसो आयोपैक नेमिंग और ये जो हमारी नोमन क्लेचर है वो दोनों ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम आइसोप्रोपेन भी होता है मैं नहीं बता रहा। ठीक है, हमारे पास उसने कभी कभार पास पेपर में खुद से नाम लिख के दिया हुआ है, तो वो ये वाले आयोपैक नेमिंग उसने लिख कर दी हुई है, तो इसलिए मैंने इसका आइडिया दे दिया है कि अगर कभी ये नाम लिखा हुआ मिल जाए। अच्छा, नाम के साथ वो स्ट्रक्चर भी बना के देते थे, ऐसा नहीं है कि वो नाम दे दिया स्ट्रक्चर खुद ही बनाओ, वो स्ट्रक्चर भी बना के देते हैं, तो ये नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना ये जो नंबरिंग हुई भी है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए हुई भी है कि कौन से कार्बन पे फंक्शन अटैच्ड है। गॉट इट इर्तजा? अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछते हो तो ट्राई करा करो, सेटिंग कर दिया करो टू एवरीवन, ताकि सब तुम्हारा क्वेश्चन देख सके तो सबको अच्छा समझ आ जाएगा। इसी तरह ब्यूटेनॉल में हमने आइसोमेरिज्म क्या देखी थी, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन वाला एल्कोहल C4H9OH में आइसोमेरिज्म 2 तरीकों से हो सकती है,
एक तो ये कि हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है इस ब्यूटेनॉल में, अगर फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा होगा तो वो भी एक आइसोमर हो सकता है उसका। तो एक आइसोमर ये है ब्यूटेनॉल का, दूसरा आइसोमर इसका क्या हो सकता है अगर लेट्स से फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा हुआ है सेकंड कार्बन पे, तो ये एक दूसरा इसका आइसोमर बन जाएगा। तो पहले वाले का नाम होगा ब्यूटेन वन ऑल और दूसरे वाले का नाम होगा ब्यूटेन, ई नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा, ब्यूटेनॉल में आइसोमेरिज्म एक और तरीके से हो सकती है जिसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, कि अगर चार कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं लगे हुए तो ये भी इसकी आइसोमरी कहलाएगा इसका। इसी तरह से इनका एक और आइसोमर बन सकता है कि ब्रांचिंग भी हुई हुई है, मतलब एक कार्बन ब्रांच में भी लगा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हुई हुई है। तो ब्यूटेनॉल के ये टोटल चार आइसोमर्स बन सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और तरह की आइसोमेरिज्म भी देखी थी अल्कोहल्स में, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब वो कैटेगराइज कभी भी नहीं करवाएगा आपसे ओ लेवल में कि आप जो है बताएं कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म हुई है। मैं तीन टाइप की आइसोमेरिज्म के नाम लेता हूँ। चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें हम कार्बन की चेन छोटी बड़ी होती हो रही होती है। एक होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन आगे पीछे हो रही होती है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला आइसोमर और सेकंड वाला आइसोमर है, जिसमें फर्स्ट वाले आइसोमर में OH फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और सेकंड वाले आइसोमर में OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। और तीसरी टाइप की आइसोमेरिज्म होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। एल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे होगी? देखो, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का क्या है, OH। अगर OH जब तक साथ है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तो वो एल्कोहल को शो कर रहा है। तो सारे जितने भी मैंने आइसोमर्स बनाए उसमें OH फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ना, मतलब ये सारे के सारे एल्कोहल्स हैं। लेकिन देखो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इन सारे आइसोमर्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, C4H9OH बन रहा है सबका। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूं सब में तो 4 कार्बन एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें तो 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 9 ये रहे और एक OH के साथ हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसका जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप ना हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे अगर 4 कार्बन एटम में से 2 मैंने यूं लगाए, एक ऑक्सीजन बीच में लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। अब OH के बाद बॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये आगे कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो सिर्फ एक ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है ना, दो तो नहीं बना सकता। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊं कि 2 कार्बन के बाद हमने ऑक्सीजन लगाया और ऑक्सीजन के बाद एक और कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन नहीं लगाया, अब जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके एक बॉन्ड बना हुआ है तो बाकी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे उसके साथ, 4 बॉन्ड बन सकते हैं ना। सेकंड वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, थर्ड वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और फोर्थ वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4 है इस फॉर्मूला में। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है, तो ये भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O बन रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स का ऊपर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख ही नहीं रहा है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। इसमें एक नया तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, COC, कार्बन ऑक्सीजन और फिर कार्बन, इसको हम कहते हैं ईथर। बहरहाल ये अल्कोहल नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंट आइसोमर है। मतलब जो ऊपर मैंने 4 आइसोमर बनाए हुए हैं उसके अलावा ब्यूटेनॉल का एक और आइसोमर बनता है, लेकिन वो ब्यूटेनॉल नहीं कहलाता, बट दैट इज नॉट एन अल्कोहल बिकॉज इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहीं भी नहीं है। सही है।
अच्छा इर्तिजा देखो, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे, जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के वक्त नंबरिंग का लेफ्ट टू राइट करना और राइट टू लेफ्ट करना मैटर करता है। लेकिन मैं जो नंबरिंग कर रहा हूँ ना अभी, मैं सिर्फ इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं कौन से वक्त कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो हमें ओ लेवल में नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ्ट करनी है, उसकी फिक्र ही नहीं करनी है, क्योंकि हमें नंबरिंग ही नहीं करनी। मैं सिर्फ इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई मैं कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ। मैं हाथ रख के तो बता नहीं पा रहा, फेस टू फेस नहीं है, इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। तो आप इस टेंशन में नहीं पड़ना कि नंबरिंग लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। इनफैक्ट आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म क्या है? आपको नाम से नहीं पता रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमर कितने बनेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर थ्री वाले आइसोमर है, उसमें स्ट्रक्चर वन में कार्बन स्टेट चेन में चार कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर थ्री में स्टेट चेन में तीन कार्बन है, एक कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है। तो ऐसे दो आइसोमर्स को आपस में चेन आइसोमर्स कहते हैं। पोजिशन आइसोमर्स किसको कहते हैं? जैसे स्ट्रक्चर टू में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, और स्ट्रक्चर वन में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप की क्योंकि पोजिशन चेंज हुई हुई है स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में, इसलिए ये पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हुआ हुआ हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए इनको आइसोमर्स कहना पड़ रहा है। बहरहाल आपने नाम से याद नहीं रखना है कि कौन सा आइसोमर है, पर तो आपने आइसोमर आइडेंटिफाई करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, क्या ईथर के जो हमने आइसोमर बनाया है इसका कोई और आइसोमर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, अगर मैं ऑक्सीजन कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में लगा दूं तो ये एक डिफरेंट आइसोमर कहलाएगा इसका। तो ये भी एक आइसोमर है जिसको मैं सिक्स आइसोमर कह सकता हूं। देखो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि वो कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि भाई सारे आइसोमर्स बना दो इसके। आपसे वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है? आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा सिंपल स्टाइल में, जैसे ही क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, विच कंपाउंड आर एल्कोहल्स। तो जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एक साथ है, OH है, वो एल्कोहल है। तो स्ट्रक्चर वन में OH दिख रहा है, वो एल्कोहल है। स्ट्रक्चर टू में OH है, वो एल्कोहल है। OH साथ होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग नहीं, OH होना चाहिए। स्ट्रक्चर थ्री एल्कोहल है। स्ट्रक्चर फोर में OH तो है लेकिन वो COOOH है, मतलब सी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो ये पूरा अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल नहीं होता है। OH अगर अकेला है कार्बन के साथ तो वो अल्कोहल है, अगर OH के साथ जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो अल्कोहल नहीं है। तो फोर्थ वन इज नॉट एन अल्कोहल, 1, 2, 3 अल्कोहल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि भाई ये MTBE है। अब MTBE अल्कोहल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें OH नहीं है, कार्बन फिर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन फिर कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप को मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया, इसको ईथर कहते हैं। अच्छा, ईथर पे चैप्टर नहीं है अलग से, बस ईथर आपको अल्कोहल के चैप्टर में दिखेगा, और फिर आपको पॉलीमराइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीमराइजेशन के वक्त एक बार और मैं आपको ईथर दिखाऊंगा। इससे ज्यादा ईथर के बारे में कोई सवाल नहीं, ना ही यहाँ पे इसने बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये अल्कोहल नहीं है, ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हम आगे पढ़ेंगे, ना ये एल्केन है ना एल्कीन है, मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। वो सिंपल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ MTBE। MTBE इस मेन स्ट्रक्चर को कह रहा है वो। अगर किसी कंपाउंड ने MTBE का आइसोमर होना है
तो इट मींस दैट कंपाउंड मस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट. पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना. तो MTBE का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको काउंट देखना है तो कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5. इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं. हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 1 है. तो सबसे पहले तो एबीसीडी में से वाले ऑप्शन ढूंढो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो, वही आइसोमर हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता. तो ए में कार्बन तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, सही है. लेकिन हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाइड्रोजन 12 नहीं है तो ए तो आइसोमर इसका नहीं हो सकता. बी में तुम्हारे पास 4 कार्बन है, 5 कार्बन नहीं है. एमटीबी में 5 कार्बन है तो बी भी नहीं हो सकता. रह गया सी और डी. सी में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5. हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और ऑक्सीजन 1 है. तो हाँ सी आइसोमर हो सकता है. सी आइसोमर है इनफैक्ट, क्योंकि सी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एमटीबीई. टू डिफरेंट है. अगर मैं MTBE का स्ट्रक्चर देखूं तो MTBE में OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है. सी में OH फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब सी जो है वो अल्कोहल है. और जो मेन स्ट्रक्चर MTBE का दिया हुआ है ये अल्कोहल नहीं है. इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लगा हुआ है और इसमें OH अलग से लगा हुआ है. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है सी इसका. डी में क्या प्रॉब्लम है, डी को अगर मैं देखूं तो डी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एमटीबी वाला बन ही नहीं रहा. 5 कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अगर आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देख लोगे ना तो ए बी डी का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही एमटीबी वाला नहीं बन रहा है. तो वो तो वैसे ही आप गलत कर दोगे तीनों. तो आपके पास ऑप्शन ही एक बचेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एमटीबी से. अगर आप ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो कि MTBE का स्ट्रक्चर और C का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो A, B, D में सब में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो तो वैसे ही आइसोमर नहीं बनने. तो क्वेश्चन आसान पूछता है आइसोमेरिज्म को. यार अपना नाइल देखो, ट्राई करो एक चैट में एक मैसेज देखो ना, फ्लडिंग करो चैट को. आगे बढ़े कुछ. अच्छा जी, कह रहे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन मोनोल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ प्रोपेन मोनोल. प्रोपेन मोनोल में कार्बन कितने हैं, 3 है. हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. और ऑक्सीजन 1. तो पहले तो देख लो किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है, वही आइसोमर बन सकते हैं. तो पहले वाले स्ट्रक्चर में 3 कार्बन तो है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन 8 नहीं है तो ए तो नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट बी, बी में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता. रह गया सी. सी में कार्बन कितने हैं, 3. हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. और ऑक्सीजन 1. और डी में कार्बन कितने हैं, 3. और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6. और ऑक्सीजन 2. तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो सी हो सकता है आइसोमर. और हमने ये वाले आइसोमर बना लिए ना, प्रोपेन मोनोल का आइसोमर और ये वाला जो सी है उसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है, मतलब ये ईथर है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ही है उसका. और ऊपर वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल है, प्रोपेन वनॉल. अब देखो इसने लिखा हुआ है ना प्रोपेन वनॉल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नाम लिखे हुए तुम्हें मिल सकते हैं लेकिन तुम्हें खुद से बनाने नहीं पड़ेंगे ना, तो टेंशन मत लेना. इसका आंसर Compound Q has a structure shown. What is the structure of an isomer of Q? तो Q का सबसे पहले काम isomer आपने identify करते वक्त सबसे पहले तो molecular formula देखना है भाई.
टू का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास टोटल हाइड्रोजन है 10, इल्लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऑक्सीजन है 1। तो पहले तो सिर्फ वही स्ट्रक्चर देखो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो मैं लूंगा ही नहीं, 10 ही है इसमें, सॉरी नॉट 9, इस 10 एंड ऑक्सीजन 1। अब आपने ए को देखना है कि क्या ए टू का आइसोमर है या नहीं। देखो जब आप आइसोमेरिज्म देख रहे हो और दो मॉलिक्यूल्स में एक में डबल बॉन्ड है और एक में नहीं है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से दो हाइड्रोजन तो वैसे ही कम हो जाएंगे ना। तो कोई सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और कोई डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, वो लोग आपस में एक दूसरे के आइसोमर मुश्किल ही हो, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर दो कार्बन के बीच में आ गया तो इट मीन्स के दो हाइड्रोजन तो वैसे ही कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए वो आइसोमर्स नहीं होते। अच्छा स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर क्यू का आइसोमर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर क्यू को देखूं तो इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इसमें भी 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ही है। जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला कार्बन जिसको मैंने फर्स्ट लेबल करा है वो कभी भी सीधा हो सकता है ना, मतलब वो बैंड हुआ हुआ है नीचे, तो क्योंकि ये टर्मिनल पे लगा हुआ है, अगर ये बीच में लगा हुआ होता, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ होता तो चलो ये ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन राइट और लेफ्ट नहीं जा सकता, लेकिन ये फर्स्ट वाला कार्बन तो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, ये कभी भी वापस सीधा हो सकता है, मतलब ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल ही है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रक्चर क्यों ही है, आइडेंटिकल है, तो ये आइसोमर इसलिए नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सेम है लेकिन ये मॉलिक्यूल भी वही है जो क्यू है, मतलब ये क्यू ही है, आइडेंटिकल है। हाँ स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है क्योंकि इसमें देखो OH की पोजिशन पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने फोर्थ कार्बन पे देखी है, तो इसमें जो है वो थर्ड कार्बन पे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो बी आइसोमर है क्यू का। सी आइसोमर क्यू नहीं है, उसका मतलब भी सेम ही है ओ से, लेकिन अब ये फर्स्ट कार्बन और ये जो फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे कभी भी हो सकता है और फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन के लेफ्ट पे कभी भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर डी ये भी क्यू है क्योंकि क्यू को अगर फ्लिप करके रखोगे तो वो डी बन जाएगा, तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है उसमें, उसको फ्लिप करके रख दो तो डी और क्यू तो सेम ही, बल्कि ए सी और डी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, क्यू ए सी एंड डी दे ऑल आर सेम मॉलिक्यूल्स, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हुई हुई है, किसी का कार्बन नीचे बैंड हो गया ऊपर कर दो सीधा हो जाएगा, लेकिन बी जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट है। ए में 4 कार्बन लगे हुए, देखो जो टर्मिनल वाला कार्बन होता है वो तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि बॉन्ड तो उसका सेकंड कार्बन के साथ ही है ना, मतलब वो कभी भी नीचे भी हो सकता है और वो ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि लगा हुआ तो वो उसी कार्बन पे है ना, सेकंड कार्बन पे, अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज की है उसने। इसी तरह सी में भी देखो यही हुआ है, जो फोर्थ कार्बन है अगर वो नीचे की तरफ आ गया है 1, 2, 3 और वो, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, वो कभी भी घूम के वापस सीधा हो सकता है, सही है। चलें आगे बढ़े, अच्छा देखो अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए हमने तो एल्कीन में भी पढ़ा था कि अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कि अल्कोहल कैसे बनाए जा सकते हैं, पहला रिएक्शन कहलाता है हाइड्रेशन ऑफ
एल्कीन्स टू फॉर्म एल्कोहल। जैसे मेरे पास एक एल्कीन है इथीन, उसको अगर मैं स्टीम के साथ वाटर गैसियस स्टेट में रिएक्ट करवाऊंगा तो वो एल्कोहल बना लेगा। कौन सा एल्कोहल? इथीन से बनेगा, इथेनॉल। इसी तरह अगर लेट से मेरे पास प्रोपीन हो, तो प्रोपीन को अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो प्रोपीन से जो एल्कोहल बनेगा दैट वुड बी प्रोपेनॉल। इसी तरह ब्यूटीन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ब्यूटेनॉल बनेगा। तो हम लोग पहले इथीन के साथ देखते हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन गैस फॉर्म में लिया है हमने और वाटर को हमने स्टीम बनाया है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। इथीन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें लाइक दिस। स्टीम में हमारे पास वाटर है। अब होगा क्या कि इसमें जो वाटर का एच और ओएच बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये जो इथीन मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है। एक कार्बन पे अगर एच लग गया है तो दूसरे कार्बन पे ओएच लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया इथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH हो रहा है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको याद रखनी है। इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस। देखो कुछ बुक्स में ये 300 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कुछ में 350 डिग्री सेल्सियस बनेगा, तो दोनों फिगर माइंड में रखना। आप 300 भी लिख सकते हो, 350 भी लिख सकते हो। प्रेशर जो आप लोगे वो होता है 65 एटमॉस्फेयर, जो कि हाई प्रेशर है। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 65 एटमॉस्फेयर 65 टाइम ज्यादा मतलब हाई प्रेशर है। नहीं भाई, एल्कीन की हाइड्रेशन नहीं होती, एल्कीन्स की होती है बस। देखो मार्किंग की में रेंज दी भी होती है टेम्परेचर की, 300 से 350, तो आप दोनों उनके बीच में भी कोई ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो। जब आप पास पेपर करोगे पेपर टू के तो उसमें हम लोग जो मार्किंग की में रेंज दी भी होगी उसी की रेंज में बीच में लिखेंगे टेम्परेचर। साथ में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4। इसमें जो अल्कोहल बनता है ना वो बनता है एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में क्यों? क्योंकि कुछ स्टीम जो है वो फाइनली कंडेंस होके लिक्विड वाटर बना लेता है। अभी जो इथेनॉल बना है ना, हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन एल्केन्स और एल्कीन्स नहीं होते, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब अल्कोहल पानी के अंदर बन रहा है एक्वस अल्कोहल, हमें तो लिक्विड इथेनॉल चाहिए ना, तो उसको फिर हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? हमारे पास एल्कोहल बना है एक्वस फॉर्म में, उसको सेपरेट हम करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा है तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री अभी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फिलहाल ये याद रखो कि इसको हम सेपरेट करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट? अच्छा जी, इस इक्वेशन की तरह वापस आते हैं। इसमें इथीन जो कि C2H4 था स्टीम के साथ रिएक्ट हुआ
और जो एल्कोहल बना वो C2H5OH इथेनॉल, इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH2OH। अच्छा क्या इसमें कोई, आप ये कह सकते हो कि पहले कार्बन पे अगर एच लगा है तो वाई नॉट दूसरे कार्बन पे OH लग जाए और फर्स्ट कार्बन पे OH एच लग जाए, मतलब अगर आप कहो कि पहले कार्बन पे OH लग जाए और दूसरे कार्बन पे एच लग जाए, तो क्या ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये डिफरेंट आइसोमर है इसका, ये सेम मॉलिक्यूल्स है बस फ्लिप करके रख दो तो दूसरा वाला बन जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, तो इनको हम एक दूसरे का डिफरेंट आइसोमर नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन अगर मेरे पास एल्कीन प्रोपीन है, तो दूसरी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं प्रोपीन और उसको स्टीम के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कंडीशन सेम है जो कि अभी हमने इथीन की हाइड्रेशन के लिए देखी है, वही प्रोपीन की हाइड्रेशन के लिए, बस फर्क क्या है प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनेगा। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6, इसको स्टीम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। ये जनरल फॉर्मूला से मैं बना रहा हूँ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH है, तो एन की जगह पे प्रोपीन चल रहा है, तो प्रोप चल रहा है, तो एन की जगह पे मैंने दोनों जगह 3 कार्बन एटम्स रखे, N3 रखा है, तो फॉर्मूले बन गया खुद ही। अच्छा अगर मैं प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखूं तो प्रोपीन में 3 कार्बन एटम है और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, सेकंड कार्बन पे क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी उसके बने हुए हैं, 2 लेफ्ट वाले कार्बन के साथ और 1 राइट वाले कार्बन के साथ, तो 1 हाइड्रोजन और आएगा, 1 बॉन्ड और बनेगा, और जो लास्ट वाला कार्बन है इस पे टोटल 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अच्छा जब इसकी हाइड्रेशन होगी तो अगेन चीज वही होगी, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसमें से एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक कार्बन पे एच लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे OH लग जाएगा, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। अच्छा इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लेट से मैं कहूं कि फर्स्ट कार्बन पे एच नहीं लगा, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा और सेकंड कार्बन पे एच लगा, तो देखो भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होंगे। पहला वाला जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा है, तो उसको हम प्रोपेन टू ऑल बोलेंगे, और जो नीचे वाला है उसको हम प्रोपेन वन ऑल बोलेंगे। दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे होंगे। इनके अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या मतलब, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर बना है इसके कार्बन, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 1 OH है, OH ब्रांच में है, तो ब्रांच में लिखने का तरीका हमने देखो 2 तरीके से सीखा, या तो मैं डंडी लगा के नीचे OH लिख दूंगा और फिर CH3, या फिर हम क्या करेंगे कि CH के बाद जिस कार्बन पे OH है, सेकेंड कार्बन जो है जिसपे OH है, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर OH लिखेंगे। ये ब्रैकेट बताता है कि ये OH जो है ना वो स्ट्रेट चेन में आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो सेकंड कार्बन के नीचे ब्रांच में। तो ये दोनों तरीके होते हैं, आपको दोनों सीखने हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस के वक्त अब उसकी मर्जी है, पहला वाला तरीका लिख दे या दूसरा वाला तरीका लिख दे, तो आपको दोनों आने चाहिए। इसी तरह जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसका अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं, प्रोपेन मनोल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ CH2 और इसके साथ ब्रैकेट लगा के OH लगा दिया, फिर CH2 और CH3। जिस कार्बन के आगे ब्रैकेट है इट मींस के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो उसी कार्बन के साथ ब्रांच में होगी। इसको देखो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं OH को राइट पे लिखने के बजाय उस कार्बन के लेफ्ट पे लिख दूं,
तो वो भी सेम बात है, फिर मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और एक और तरीका कि मैं OH को ऐसे नीचे करके लिख दूं, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर वन जो है ये, जिसको मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। अगर आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है तो वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई जिस कार्बन के बाद ब्रैकेट होते हैं तो उसी कार्बन के लिए जो चीज होती है ब्रैकेट के अंदर, उसी कार्बन के साथ लगी हुई होती है। सही है? क्या बात समझ नहीं आई? माइक खोल के पूछ लो अगर कुछ कंफ्यूजन है किसी को। चले आगे बढ़े। अच्छा, अगर यही काम हम ब्यूटेनॉल के साथ करें, मतलब ब्यूटीन बना, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल बना, जैसे C4H8 ब्यूटीन, स्टीम के साथ उसको रिएक्ट करके तो ब्यूटेनॉल बनेगा, व्हिच इज C4H9OH। अच्छा, ब्यूटीन के अपने खुद के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें अगर कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, एक तो ब्यूटीन ये हो सकता है, दूसरा ब्यूटीन ये हो सकता है कि कार्बन सेकेंड और डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में हो। तो ये दोनों ब्यूटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब डिफरेंट आइसोमर्स हैं। तो जो इनसे अल्कोहल बनेगा वो भी एक से ज्यादा अल्कोहल बन सकते हैं, मतलब अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर से देखूं, इससे दो तरह के अल्कोहल बन सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर खत्म होगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि फर्स्ट कार्बन के साथ आपका जाए और सेकंड कार्बन के साथ OH लग जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट कार्बन के साथ OH लग जाए और सेकंड कार्बन के साथ H लग जाए। तो ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स हैं ब्यूटेनॉल के। पहले वाले का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, CH3 सेकंड कार्बन के साथ OH है, एक H है तो मैंने H लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाल के OH लिखेंगे, फिर CH2 और फिर CH3। अच्छा जी, फिर नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है CH2 और उसमें फर्स्ट कार्बन के साथ ही OH है, तो मैं ब्रैकेट डाल दूंगा फर्स्ट कार्बन के बाद और साथ में CH2 पे CH3। नहीं भाई, ऑर्गेनिक इज नॉट ऑल अबाउट आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म ओ लेवल में तो बड़ा आसान है, आइसोमेरिज्म सीख लेते हो तो कुछ MCQs होते हैं जो कि फंसा देते हैं आइसोमेरिज्म में, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके कर रहे हैं। लेकिन आइसोमेरिज्म जब आप AS केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो ए लेवल की, तो आइसोमेरिज्म फिर बहुत एडवांस्ड है उसमें, तो यहीं से अच्छा सीखो ताकि ए लेवल में तुम्हें आसानी हो। और MCQs कभी कभार MCQs टेढ़े दे देता है वो लेवल में आइसोमेरिज्म के, इसलिए आइसोमेरिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम जाके पढ़ा जा रहा है, और कोई वजह नहीं। अच्छा, ये जो दूसरा वाला हमारा ब्यूटीन का आइसोमर है, इसकी अगर हाइड्रेशन करेंगे तो क्या इससे भी दो डिफरेंट तरह के अल्कोहल बन सकते हैं, मतलब क्या दो डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं ब्यूटेनॉल के? इसका जब डबल बॉन्ड खत्म होगा सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के H इस कार्बन पे लगा, OH यहाँ पे लगा। अगर आप बोलो कि भाई इसको मैं ऐसे कर दूं कि जिस कार्बन पे मैंने H लगाया है उस पे पहले OH लगा देते हैं और दूसरे कार्बन पे H लगा देते हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, दीज आर नॉट आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाले को पलट के रखेंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा, पहले वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, ये है CH3CH2
थर्ड कार्बन पे OH है तो उसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरह जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो डेट वुड बी CH3CH OH CH2CH3। तो इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देखो सेम ही है। अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को पलट के रखूंगा तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बन जाए। तो उसको अगर मैं देखूं तो नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करता हूँ राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे OH है, और नीचे वाले की नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट अगर स्टार्ट करूं तो उसपे भी सेकंड वाले पे OH है। तो दीज आर सेम मॉलिक्यूल, तो दीज आर नॉट आइसोमर्स। तो इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट है, या तो आप ये वाला काउंट कर लो ऊपर वाला या नीचे वाला। लेकिन जो ऊपर वाला ब्यूटीन है ना, जिसको हम ब्यूट वन इन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, और नीचे वाले ब्यूटीन को हम ब्यूट टू इन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो ब्यूट वन इन से दो अल्कोहल के आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन ब्यूट टू इन से सिर्फ अल्कोहल का एक ही आइसोमर बन रहा है। अब चाहे तो आप ऊपर वाला काउंट कर लो या नीचे वाला, क्योंकि दोनों सेम ही है। कोई सवाल? आगे टाइम हो गया है, आगे बढ़े। मोहित देखो, ब्यूट टू इन से जो दूसरा वाला ब्यूटीन है ना, जिसमें डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, उससे मैं कह रहा हूँ कि जो दो अल्कोहल बने ना वो एक ही तरह का अल्कोहल बना है, जिसको मैंने ए लिखा हुआ है और उसको बी लिखा हुआ है ना, ए और बी एक ही है। क्योंकि ए में भी OH जो है वो सेकेंड कार्बन पे, बी में भी OH जो है वो सेकेंड कार्बन पे। मतलब ऊपर वाले को ए को मैं पलट के रखूंगा तो वो बी, मतलब बी ये ओरिएंटेशन का फर्क है। आप राइट से देख रहे हो उसको, मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ। मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे लिए OH जो है वो दूर है। अगर आप राइट से आके देखोगे तो आपको जैसे नीचे वाला है वैसे दिखेगा। अगर आप ऊपर वाले को राइट से आके देखोगे तो जैसे नीचे वाला बना हुआ है ना बी, आपको वो वैसा दिखेगा। तो ये सेम मॉलिक्यूल है, ओरिएंटेशन का फर्क है बस। अच्छा, इस पे भी एक क्वेश्चन है जो कि ना मैं चलो अभी देख लेता हूँ, अभी है तो अभी करा देते हैं। आई थिंक या तो वो एल्कीन्स में करवा दिया होगा हमने क्वेश्चन।
चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये जो सारी एक्सप्लेनेशन दी है ना वो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसकी वजह से दीजिए। आई थिंक हमने एल्कीन्स में करा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी दोबारा देख लेते हैं क्योंकि फ्रेश पड़ा है। देखो कह रहा है विच रो इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद स्टीम। देखो जो आपका पहला वाला एल्कीन है उसका जो उसने फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है CH3CH और फिर डबल बॉन्ड है फिर CH2। अगर इस हाइड्रेशन करवाओगे, वो कह रहा है एल्कीन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया है कैटलिस्ट के साथ, तो मतलब हाइड्रेशन करवा रहे हैं ना, अल्कोहल बना रहे हैं। तो देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो डबल बॉन्ड अगर खत्म होगा तो आप अगर कह रहे हो कि H इस कार्बन पे लगा है, OH दूसरे कार्बन पे लगा है, तो क्या इसमें अगर H और OH की पोजीशन चेंज करो तो क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? बिल्कुल हैं, डिफरेंट आइसोमर्स है ना, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स जब बनते हैं प्रोडक्ट में तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स काउंट होते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं। पहले वाले का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो ये होगा CH3CH2CH2OH, और दूसरे वाले का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो होगा CH3CH, और सेकंड कार्बन पे OH लगा है तो सेकंड कार्बन के बाद ब्रैकेट डालेंगे फिर OH लिखेंगे। तो इसने जो हमें प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है ना वो नीचे वाला प्रोडक्ट, मतलब इसने जो प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है वो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो वाला प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है। व्हाट अबाउट फर्स्ट वन? फर्स्ट वन भी तो एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसने क्या किया है, एक प्रोडक्ट बना के उसके साथ ओनली लिख दिया है। ये ओनली वाली बात गलत हो गई ना, दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। एक प्रोपेन वनॉल बन रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला प्रोपेन टू ऑल बन रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट अल्कोहल्स बन रहे हैं। उसने ओनली लिखा हुआ एक बना के, मतलब वो गलत कह रहे बात। इसी तरह ऑप्शन बी को अगर देखें तो ऑप्शन बी में जो एल्कीन बनाया हुआ है उसने वो ब्यूटीन बनाया हुआ है, ब्यूटबनीन। लास्ट इसके अल्कोहल अगर बनाओगे, देखो आपके पास क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर फर्स्ट कार्बन इस कार्बन पे H लगा है, दूसरे पे OH लग जाए, और फिर जिस कार्बन पे पहले H लगा था उस पे OH लगा हुआ, तो क्या ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। पहले वाले में फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, दूसरे वाले में सेकंड कार्बन पे OH लगा है। जो जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उसमें से पहले वाले में फर्स्ट कार्बन पे OH लगा, दूसरे वाले में सेकंड कार्बन पे OH लगा। इनके अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो वो होगा CH3CH2CH2CH2OH, और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2 CH के साथ OH है और फिर CH3। उसने देखो जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका दूसरा भी एक बन रहा है आइसोमर। उसने क्या करा है, एक लिख के उसके साथ ओनली लिख दिया है, इट मींस के वो भी उसने गलत लिखा है। भाई ओनली ये थोड़ी बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, तो ये ओनली लिखना गलत है। या तो वो दोनों स्ट्रक्चर लिखता, बताता कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए बी भी गलत हो गया। क्लियर है बात? आगे बढ़े, सी देखें, सी में क्या हुआ है। अच्छा जो ऑप्शन सी है उसमें जो एल्कीन दिया हुआ है वो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखो इससे जो अल्कोहल बनाओगे तो आपने एक कार्बन के साथ H लगाया, दूसरे के साथ OH, और फिर आपने उसको चेंज किया। क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? द
पहले वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH2CH उसके साथ OH और फिर CH3। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH OH CH2 CH3। अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को फ्लिप करके रख दूं तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, फ्लिप्ड है, आइडेंटिकल है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब दे आर द सेम मॉलिक्यूल। इनमें से अगर मैं कोई भी एक लिख के उसके साथ ओनली लगा दूं, इसने जो है ना ये जो हमने दूसरा वाला बनाया ना वो लिखा है, तो इसके साथ ओनली सही है क्योंकि दोनों सेम है, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसने एक लिख के ओनली लिख दिया, मतलब ये बात सही करी हुई है उसने, तो सी हमारा आंसर है। हम डी भी चेक करते हैं कि डी में क्यों ओनली गलत है। डी में जो हमारे पास उसने एल्कीन दिया हुआ है ना, उसमें अच्छा इस एल्कीन का जो उसने स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो CH3 ब्रैकेट 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड पे CH2। जरा इसको समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर देखो CH3 ब्रैकेट 2 का क्या मतलब है कि ये ब्रैकेट जो है ना वो इस कार्बन के लिए है, तो मतलब ये दोनों CH3 एक कार्बन के साथ अटैच है, तो एक मैंने अटैच कर दिया तो दूसरा CH3 मुझे ब्रांच में अटैच करना पड़ेगा क्योंकि आगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ CH2 है, तो या तो ऊपर अटैच करोगे या नीचे, मतलब वो CH3 जो है ना ऐसा नहीं है कि वो CH3 आगे आ जाएगा, आगे नहीं आ सकता, अगर आगे आएगा तो CH2 आ सकता है, CH3 नहीं आ सकता क्योंकि उस कार्बन ने भी तो आगे बॉन्ड बनाना है ना, अगर उसके चारों बॉन्ड यही कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन, तो आगे तो उसके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है बॉन्ड बनाने की, तो चेन तो कंटिन्यू नहीं हो सकती आगे, आगे तो एक CH2 और है, तो इट मीन्स के वो CH3 ब्रांच में। राइट, तो क्या इससे दो डिफरेंट एल्कोहल बनेंगे, मतलब इससे अगर मैं हाइड्रेशन कराता हूं इसकी तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड खत्म होगा, तो अगर फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे H लगा है, दूसरे के साथ OH लगा है और एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, देखो अगर आप इस तरह से कहो 1 2 3, इसको मैं कह रहा हूँ स्टेट चेंज में जो 3 कार्बन एटम है इसी तरह 1 2 3, तो पहले वाले में OH फर्स्ट कार्बन पे, दूसरे वाले में OH सेकंड कार्बन पे, अगर मैं पहले वाले को फ्लिप करूं तो क्या दूसरा वाला बनेगा, जब पहले वाले को अगर हम फ्लिप करके रखें तो वो पहला वाला ना कुछ ऐसा दिखेगा CH2 उसके साथ OH फिर C उसके साथ एक ब्रांच में CH3 और एक यहाँ पे CH3। तो अगर मैं पहले वाले को फ्लिप करता हूँ तो दूसरे वाले दिख रहा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। पहले वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये था ना CH3 2 CH CH2 OH, और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा CH3 2, इसके दूसरे वाले के साथ OH है और फिर CH3। तो इसने जो हमें बना के दिया हुआ है ना प्रोडक्ट खुद से वो ये वाला बना के दिया हुआ है, मतलब कौन सा वाला है जो हमने पहला वाला बनाया ये वाला। व्हाट अबाउट दी अदर वन, एक और प्रोडक्ट है उसका, तो इसके साथ भी ओनली लिखना गलत है, मतलब डी भी गलत है। क्लियर है यहां तक?
जूम आउट, ठीक है आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, थर्सडे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थर्सडे को खत्म कर लेंगे विद सम मोर पास पेपर्स।